नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक अहमदाबाद सुबह से आपका स्वागत करता हूं एक और एपिसोड। अगर आपको जानना है कि सीट एग्जाम के थ्रू आपको आईआईटी बॉम्बे में इंटरेक्शन डिजाइन कैसे मिलेगी, तो ये इंटरव्यू आपके लिए है। आज मेरे गेस्ट हैं प्रिंस अग्रवाल, जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है आईआईटी बॉम्बे में इंटरेक्शन डिजाइन में। तो सीधे स्वागत करते हैं प्रिंस अग्रवाल का। प्रिंस, वेलकम टू द शो। हाय हाय विनायक, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। यू वेलकम। सो प्रिंस, आपके 99 ऑल इंडिया रैंक है। कितना मुश्किल था ये सफर? ये सफर मुश्किल, काफी मुश्किल तो नहीं, काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब ऊपर नीचे हुआ, मजा भी आया काफी। इवन मतलब जो पूरा जनवरी से लेके जो इंटरव्यू और लास्ट में जब ऑफर लेटर आया ना, तब तक का मतलब काफी लोगों से इंटरेक्ट करना, इंटरव्यूज देने, प्रोसेस की तैयारी करनी, पोर्टफोलियो बनाना, काफी ऊपर नीचे था। तो मजा बहुत आया, मैं इतना बोल सकता हूँ। अच्छा, तो फिर जब आप एग्जाम दे रहे थे सीट का या इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो उम्मीद थी कि 99 तक हो जाएगा काम? सीड देने के बाद मतलब ऐसा था कि मैं टेलीग्राम पे एक्टिव था एंड ऑल, तो उसमें जब मैंने सीड दिया, मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया, तो पार्ट बी का मेरे को पता नहीं था। बाकी पार्ट ए मेरे हिसाब से मेरा अच्छा गया था, बट मैंने जब बाहर आके लोगों से बात की और ग्रुप में देखा एंड ऑल, लोग क्योंकि बोल रहे थे कि पिछली बार से भी काफी टफ आया था, और मैं इधर ऐसा, मैं मतलब पर्सनली ऐसा सोच रहा था कि मेरा अच्छा हुआ है, तो मतलब उम्मीद नहीं थी। बट जब 2-3 दिन बाद आंसर की आई, तो मैंने कैलकुलेट किया, स्कोर कैलकुलेट किया, तो अच्छा स्कोर आ रहा था कि 100 में से अराउंड मेरा 54 जितना स्कोर हो रहा था, तो और बोल रहे थे कि क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आई वॉज लाइक कॉन्फिडेंट कि पार्ट बी तो चेक होने वाला है। फिर पार्ट बी में लाइक आई वॉज ट्राइंग टू, क्योंकि पार्ट बी की कोई आंसर की नहीं होती है, इट्स जस्ट ड्राइंग एंड लाइक द पर्सन हु इज लाइक इवैल्यूएटिंग विल गिव यू द मार्क्स। तो फिर मैं थोड़ा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ट्राई कर रहा था कि पार्ट बी में इतना आए तो मेरा टोटल इतना बनेगा, तो शायद मेरा इसमें क्लियर हो जाए, इसमें हो जाए, तो वो सीन था। उसके बाद तो हाँ, फिर रैंक इतना पता, हाँ इतना 99 तो उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैं पर्सनली पार्ट बी इतना अच्छा नहीं करके आया था और लास्ट क्वेश्चन मैं छूट भी गया था, बट आ गया फिर किस्मत कह लो या फिर कुछ भी बोल दो, तो किस्मत तो कह सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन आपका हार्ड वर्क होगा बिल्कुल डेफिनेटली। yes. क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता। yes. आपका बैकग्राउंड भी है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन का है। yes. तो यहाँ पर आप कर रहे हो इंटरेक्शन डिजाइन। yes. यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिजाइन क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? So, I'll tell you this. So, as you said, like, मैं background industrial design में, तो मैं product design, industrial design में भी मतलब मैं product design करता था, और just design में मतलब we have this freedom of choosing our topics on our own, कि अगर तुमको medical products में काम करना है, education as a sector में, तो bachelor's में personally मेरा interest level education, playful learning experience में ज़्यादा था, बट प्रोडक्ट डिजाइन में मेरे को थोड़ा ऐसा फील हुआ कि मतलब इट्स मोर काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मतलब इट नीड नॉट टू बी नेसेसरी रिलेटेड टू एनी टेक्नोलॉजी, और कि एक वाओ और ऐसा इंट्रेंसिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना, तो मेरे को वो थोड़ा अपने इंटरेस्ट से अलग लगता था। बट इंटरेक्शन डिजाइन का जब मैंने देखा, तो एक तो यही था ऑब्वियस जो यूआई यूएक्स की हम बात करते हैं इंटरेक्शन डिजाइन में आता है, बट हियर लाइक आई गॉट टू नो कि मतलब दे ऑल्सो फोकस ऑन मोर ऑन टेंजिबल यूजर इंटरफेसेस, जिसमें कि मतलब सपोज मतलब इफ आई हैव सम एग्जिबिट इन फ्रंट ऑफ मी और मैं उसमें कुछ प्रेस करूंगा और कुछ हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है मेरे साथ, और अ वेरी गुड एग्जाम्पल कैन बी इफ यू हैड सीन दिस इंटरक्टिव वॉल जिसमें कुछ प्रोजेक्शन होता है एंड यू लाइक डू समथिंग हैंड जेस्चर्स एंड ऑल एंड देयर इज सम इंटरेक्शन, सो इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ जॉयफुल एंड प्लेफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। सो वो ध्यान में रख के आई चूज टू डू माई स्पेशलाइजेशन मास्टर्स इन इंटरेक्शन डिजाइन। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने इंटरेक्शन डिजाइन क्या होता है। फिर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सीट प्रिपरेशन की? सीट प्रिपरेशन की जर्नी एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन 2021 जुलाई में खत्म हो गया था, लाइक मैंने ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट कर दिया, खत्म हो गया, जूरी हो गई, तो आई हैड टू ऑप्शंस कि या तो मैं कॉर्पोरेट में जॉब करूं या फिर अपनी स्टडीज कंटिन्यू करूं। तो कॉर्पोरेट में मतलब पर्सनली लाइक आई डोंट लाइक यूआई यूएक्स दैट मच, कि कॉर्पोरेट में जाके स्क्रीन्स पे काम करना एंड ऑल, आई डोंट पर्सनली लाइक कि मेरा वो इंटरेस्ट है, तो मैंने ये सोचा कि अभी अगर एजुकेशन कंप्लीट करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो आई हैड दिस 4 मंथ्स का फ्रेम जिसमें कि
मैं सीड की प्रिपरेशन कर सकता हूँ कि जुलाई खत्म हो रहा था वो, और सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर था, और जनवरी में तो एग्जाम ही था, तो मैंने सोचा कि 4 महीना मैं घर पे रहता हूँ और प्रिपरेशन करता हूँ इसकी। तो मैंने स्टार्ट की, तो मैं बैचलर्स डिजाइन से था, तो मैंने जब सीड और एनआईडी का और पेपर देखा तो एक दो दिन तो हाँ मैंने प्रिपेयर किया कि क्वेश्चन सॉल्व करे टाइम लगा के, बिना टाइम लगा के स्केचिंग वेचिंग की, पर 2-3 दिन बाद ऐसा लगा कि मतलब आता, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आता है मेरे को, मतलब मैं इसमें प्रिपेयर, 4 महीने प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। तो पर थोड़ा हाँ पुश किया उसको कि हाँ करता हूँ मैं, थोड़ा ऑल मटेरियल देखा मैंने ऑनलाइन, वीडियोस देखे अलग अलग, अंजलि सोहल एंड ऑल के, दानिश के वीडियोस देखे, तो थोड़ा और आया, बट फिर स्टिल वही लग रहा था। तो मैंने ये थोड़ा डिटेल में होगा ये, बट फिर मैंने मेरे को एक जॉब मिल गया टीचिंग असिस्टेंट का अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में, तो अहमदाबाद में था। तो मेरा नेटिव होम टाउन इज आबू रोड राजस्थान, विच इज लाइक एट द डाउन हिल ऑफ माउंट आबू। तो मैं वहां था, तो मैं बोला घर पे तो मजा नहीं आ रहा, कुछ होगा नहीं, तो मैं सोचा अहमदाबाद जॉब मिल रहा है तो मैं वहां चला जाता हूँ। मैं मतलब मेरे को टीचिंग भी पसंद है, तो मैं वहां बोले टीचिंग भी इंजॉय करूंगा और साथ में मैं प्रिपेयर ऑन माई ओन। तो मैं वहां गया, 4 महीना मैंने कॉलेज में भी जाता था, फैकल्टी से भी बात होती थी, और मतलब उनसे भी मतलब ये थोड़ा क्लियर आउट करने में मदद मिलती थी कि व्हाट शुड आई चूज, की मतलब सीड देने के बाद भी, इंटरव्यू देने के बाद भी लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि एनआईडी चूज करे या फिर आईडीसी जाए, वो डिलेमा रहता है इवन मतलब अभी भी आने के बाद भी लोगों को भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर आने के बाद भी। हाँ कुछ होता है थोड़ा कि एनआईडी अच्छा। जाना चाहिए था या फिर आईडीसी आना चाहिए था, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद फिर एनआईडी की तैयारी कर रहे हो, नाम मत बताना, ऐसे है कि नहीं। एक बंदे से बात हुई वो बोल रहा था माइट भी कर सकता है वो तैयारी, वो बोला मजा नहीं आ रहा यार, पता नहीं, सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर एनआईडी के लिए, नहीं इसी साल एनआईडी दो और एनआईडी का सोच रहा हूँ। तो हाँ शायद बच्चे वो ये जो आईपीएस बनने के बाद आईएएस ट्राई करते एक बार, अरे भाई हाँ कह सकते हो। हाँ तो वो तो डिलेमा, तो मैं गया, फिर फैकल्टी से भी बात होती थी, काफी इनपुट्स मिले, लोगों से बात हुई थी, साथ में प्रिपरेशन भी की, फिर पहला एनआईडी का एग्जाम हुआ। तो प्रिपरेशन में एज सच फिर कुछ था नहीं, फिर मैं मतलब जब रिसेंटली इसमें जब एनआईडी का एग्जाम हुआ ना, उसके एग्जाम दिया वो मैंने मेरे अपने आप से दिया कि स्केचिंग और मेरे को आती थी आइडियाज कम्युनिकेट करना, क्योंकि मैं बैचलर्स डिजाइन नहीं था इनऑल, तो वो प्रिपरेशन के साथ दिया। फिर उसके बाद मैंने एनआईडी देने के बाद सीड का और एनआईडी के बीच में अराउंड 15 डेज का गैप था शायद, तो उसमें आई ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, मेरे को पता चला कि टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें काफी बड़ा इनका नेटवर्क है, उसमें लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे गया। जब मेरे को पता चला कि सीड की मतलब प्रिपरेशन इस टाइप से होती है कि मतलब देयर इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म स्टफ यू लोग, उस पर काफी मटेरियल है और लोग मतलब क्वेश्चंस भेजते हैं, दूसरे कम आंसर देते हैं, अपनी स्केचेस आप अपलोड करते हो तो लोग फीडबैक भी देते हैं, उस पर इम्प्रूव करते हैं, तो वो सब चीज, वो सब नुआंसेस मेरे को पता चले, तो मैंने उस वे में फिर प्रिपेयर करना चालू किया। फिर मतलब मैं मानता हूँ कि मैं प्रिपेयर कर रहा था 4 महीने, मैंने मतलब थोड़ा 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 प्रिपेयर किया, बट असली प्रिपरेशन थी ना मेरी वो यहाँ टेलीग्राम में आने के बाद स्टार्ट हुई, जो कम्युनिटी में जो मेरी प्रिपरेशन हुई ना लोगों से इंटरेक्ट करके कि तुम क्या कर रहे हो अभी, मेरे को क्या करना चाहिए, कि मेरे को ये सब आता है, तो तब से थी। तो ये सब हाँ वो इसी वे में मैंने प्रिपेयर किया, और फिर यस आई प्रिपेयर, आई अपीयर्ड फॉर सीट लकीली, आई शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड ऑल, फिर टास्क आए, टास्क सबमिट किए, एक हफ्ते का टास्क था, प्रोक्रेस्टिनेट करके उसको 3 दिन में खत्म किया, फिर पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आया, पोर्टफोलियो अपलोड किया, इंटरव्यू हुआ, के बारे में भी अब हम लोग आगे बात करेंगे, बिल्कुल। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि जैसे सीट का एग्जाम होता है, सीट के एग्जाम में पार्ट ए और पार्ट बी होता है, तो पार्ट ए से शुरू करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए उसको। ओके, तो मतलब ये अभी मैं जो आंसर दूंगा ये काफी सब्जेक्टिव हो सकता है, और ये मतलब ये स्ट्रेटेजी पर्सनली मेरे लिए काम कर रही थी, तो आई विल टेल यू अबाउट दिस कि पार्ट ए में, सो आई विल फर्स्टली टॉक अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट पार्ट ए, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर माय स्कोर, बट इट वाज 54 पॉइंट समथिंग, 100 में से 54 पॉइंट समथिंग स्कोर था मेरा। तो उसमें हाउ आई प्रिपेयर्ड इज कि पार्ट ए में सीड का पूरा प्रॉपर पैटर्न रहता है, मतलब दे डोंट चेंज इट एवरी ईयर, तो पार्ट ए में फिक्स है कि 3 सेक्शंस आएंगे,
एक तो न्यूमेरिकल वाले आएंगे, एक एमएसक्यू आएंगे मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, और एमसीक्यू आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें ये भी नंबर भी फिक्स है कि जो न्यूमेरिकल वाले वो 8 क्वेश्चन आएंगे और इतने नंबर के आएंगे, एमएसक्यू इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया कि मैंने एक बड़ा सा चार्ट लिया और लिख दिए कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है एमसीक्यू में, ये इतने नंबर के इतने एमसीक्यू एमएसक्यू में, और ये इतने हैं। फिर उसमें वो अल्टीमेटली मेरे को वेटेज मिल गया कि न्यूमेरिकल कितने नंबर का, एमसीक्यू कितने नंबर का, एमएसक्यू कितने नंबर का। तो उससे अब मेरे को ये देखना है कि उसमें नंबर के क्वेश्चंस कितना, टाइम कितना लग सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने टाइम के बेसिस पे पहले ये सबसे पहले ये डिसाइड किया कि मेरे को कौन सा वाला सेक्शन पहले सॉल्व करना है, कि एमएसक्यू सॉल्व करना है पहले, एमसीक्यू करना है या न्यूमेरिकल करना है। वो डिसाइड हो गया कि हाँ इतने नंबर के क्वेश्चन है, ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे तो ये पहले कर देने, या फिर इसमें टाइम लग रहा है। तो उस तरीके से पार्टी के लिए हमको 1 घंटा मिलता है। तो आई ट्राई टू कंडेंस माय स्ट्रेटजी इनटू 40 to 45 मिनट्स, कि 15 मिनट्स का मेरे पास बफर टाइम रहे। कि ये एक फैक्ट है कि आप यहाँ पे घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो पेपर, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर रहे हो, तो टाइम वर्क्स वेरी डिफरेंटली, मतलब टाइम इज रिलेटिव। तो वहाँ पे टाइम अलग स्पीड में दौड़ता है, दैट इज अ फैक्ट। तुम यू हैव मतलब यू कांट लाइक यू कांट लाइक प्रिपेयर फॉर कि मेरे को 1 घंटे में पेपर खत्म करना है। मतलब आपको डिसाइड करके जानना पड़ेगा कि आपको 45 मिनट्स में पेपर खत्म करना है, तब जाके वो 1 घंटे में खत्म होगा। तो ये डिसाइड हुआ। फिर मैंने ये देखा कि पिछले 4 साल के मैंने पेपर उठाए और देखा कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन किस सेक्शन में पूछे जा रहे। जैसे कि अगर आप जो न्यूमेरिकल वाला देखोगे तो उसमें पैटर्न काउंट करने के क्वेश्चन, सर्फेसेस काउंट करने के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आते हैं उसमें। और एमएसक्यू में देखोगे तो आर्ट हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन धीरे धीरे कम हुए, बाकी उस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या फिर एनिमे मतलब कुछ पत्ता गिर रहा है, या फिर कुछ शेप दे दिया आपको, 3D शेप दे दिया और उसका अलग अलग 4 ऑप्शन दिए कि ये शेप आपको अलग पर्सपेक्टिव से कौन कौन से ये शेप मैच कर रहे। तो उस टाइप के पैटर्न रिकॉग्निशन के क्वेश्चंस एमसीक्यू में भी सेम मैंने किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे। तो वो मेरे दिमाग में एक पूरी इमेज फॉर्म हो गई कि मेरे सामने स्क्रीन पे इस टाइप के क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा कौन सा पार्ट स्ट्रांग नहीं है, कौन सा पार्ट स्ट्रांग है। अब मैंने जो जीके थी ना, जनरल नॉलेज, मैंने स्किप कर दी पूरी, क्योंकि मैंने ये पैटर्न नोटिस किया कि पिछले 3 साल में धीरे धीरे जीके वाला पार्ट कम होता गया है। मतलब 3 मार्क्स का था पहले, फिर 4 मार्क्स का हुआ, फिर 2 मार्क्स का हुआ। तो आई वाज अज्यूमिंग कि 100 में से 3-4 मार्क्स नहीं आएंगे तो चलेगा, मतलब उसके लिए मैं मेहनत नहीं करूँ। सही अप्रोच है ये। हाँ, तो और दूसरे में अल्टीमेटली यू नीड टू क्रैक सीड, और मतलब यू हैव टू स्कोर, दैट्स योर अल्टीमेट एम। तो उसमें मैंने ये डिसाइड किया कि जीके को छोड़ो और दूसरा जो मेरा पार्ट स्ट्रांग था उसको स्ट्रांग रहने दिया, जो वीक पॉइंट्स थे और जिसके क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे थे उस पर मैंने प्रिपेयर करना चालू किया। तो वो प्रिपेयर किया, वो एक स्ट्रैटेजी थी जो कि मेरे लिए पर्सनली काम आ गई। और हाँ, फिर मॉक टेस्ट कुछ लिए, मॉक टेस्ट, और उनको टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1 घंटे का टाइम है तो मैं टाइम लगा के बैठता था और फटाफट कि ये क्वेश्चन इतने टाइम में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब सीड में ये भी सीन रहता है कि अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली दे आर नॉट मेंट टू बी सॉल्वड, कि वो टाइम वेस्ट करने के लिए ही क्वेश्चन डाला हुआ होता है, कि उस क्वेश्चन को आपको कम से कम 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे तब जाके ही वो सॉल्व होएगा, उसके बिना नहीं होएगा। तो अगर वो आपके दिमाग में वो माइंड सेट नहीं है कि ये क्वेश्चन में इतना टाइम लगने वाला है और वहाँ एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करने बैठ गए, तो एक ऐसा दिमाग में साइकोलॉजिकल ऐसा भी इफेक्ट होता है कि आपने उस क्वेश्चन को 1 मिनट दे दिया ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ 1 मिनट तो दे दिया, आधा सॉल्व हो गया, तो मैं उसको थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ, तो वो थोड़ा 1 मिनट आपका 4 मिनट बन जाएगा। तो ऐसे 3 मिनट मल्टीप्लाई होते 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 आपका पेपर ही अधूरा छूट जाता है। तो मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसे सॉल्व करना है और मेरे को ये स्किप करना है या नहीं, और इसमें इतना टाइम लगने वाला है। तो वो डिसाइड वो मेरे माइंड में था कि मैं क्वेश्चन पढ़ा, हाँ इसमें टाइम लगने वाला है, छोड़ दो इसको, लास्ट में जो मैंने 15 मिनट का बफर टाइम अगर वो रहता है तो ही मैं सॉल्व करूंगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी जो की थी मेरे लिए काम करी। हाँ, और इस वे में ही मतलब मैंने ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज को कंडेंस करके एक मतलब मेरे दिमाग में, मैं जब जाके एग्जाम हॉल में बैठा तो मेरे दिमाग में इमेज थी कि मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि दिस विल कम इन टू माई प्लेट, कि मेरे को पता था कि हाँ यहाँ दाल आएगी, यहाँ चावल आएंगे, यहाँ रोटी आएंगे, मेरे को इस तरीके से इसको खाना है और उसी वे में खाना है।
तो वो एक डर निकल गया अंदर से कि हाँ ये मैंने पेपर दिया हुआ है इसी टाइप का, और यही आने वाला था, ये मेरे को दिमाग में थोड़ा सा था। तो हाँ वो पार्ट ए वैसे निकला, तो फिर पार्ट बी आया। पार्ट बी में क्वेश्चंस का पैटर्न अगेन जैसे मैंने बोला कि सीड चेंज जो नहीं पहला करता। सवाल आता है वो ये आता है कि एक डिजाइन दी होती है, एक फिगर दी होती है, उसी फिगर को हाँ रेसिप्रोकेट करना होता है आपको डिफरेंट फॉर्मेशन में। सेम, पांचों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्केचिंग, जिसमें कि मतलब पिछली बार पिछले 2 साल से तो एक कैरेक्टर दे रहे थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करके आपको पोज बनाने थे दो वो दो। कैसे होता है वो वाला बताओ आप पार्ट। और हमारे टाइम में डिफरेंट आया था, हमारे टाइम में एक सिनेरियो दिया था, उसमें बोला था कि आपको आरटीपीसीआर एक डॉक्टर ले रहा है एक लेडी का, एंड दैट लेडी इज लाइक डूइंग सम एक्सप्रेशंस एंड यू हैव टू ड्रॉ दैट। तो उसमें भी स्ट्रेटेजी सेम ही है कि मतलब सीट स्पेसिफिक है, नीचे उन्होंने इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पूरा लिखा हुआ होता है। तो लिखा हुआ होता है कि लाइन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए, प्रपोर्शंस, ऐसा मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया लिखे थे। तो मैंने क्वेश्चंस उठाए और मैंने, हाँ तो दो दो स्ट्रेटेजी काम आई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे लिए, मैं वो बताता हूँ कि जो एक तो ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि लेट्स ड्रॉ सम कैरेक्टर्स एंड लेट्स ट्राई टू फॉलो दीज रूल्स, कि मेरे को एक तो लाइन क्वालिटी अच्छी रखनी है, कि स्ट्रोक्स एकदम फ्लोई आने चाहिए, और एक जो मेरी जो पर्सनल जो मेरी स्टाइल है जो ड्रॉ करने की, कि पर्सनली मैं अंदर की लाइंस पतली ड्रॉ करता हूँ बाहर थिक करता हूँ, तो मैं उस वे में उसको मैंने थोड़ा एलिगेंट बनाना स्टार्ट किया कि प्रोडक्ट में तो ये काम करती है, अब मेरे को थोड़ा कैरेक्टर में इसको डालना है ताकि मैं भी यूज्ड टू हूँ उस स्टाइल से, तो वो भी सही रहे, और प्लस मेरे को प्रपोर्शंस और सही रखने और वो विजुअल सही रखना है। तो वो इवेल्युएशन क्राइटेरिया मैंने सक्सेस कर लिया। अब उसमें बात आ जाती है कि मेमोरी की बात आ जाती है कि हाउ यू ड्रॉ दैट, कि अगर आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं कैरेक्टर के एंड ऑल, तो वो करने हैं, तो उनकी एक प्रैक्टिस आ गई कि पूरी मेरे को एक्सप्रेशन, फेशियल प्रपोर्शंस, कि हेड टिल्ट होगा तो कैसा होगा, 3/4 होगा तो वो कैसा होगा, वो सब प्रैक्टिस किया। और मैंने स्पेसिफिक ये चीज प्रैक्टिस की कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अभी के जो टॉपिक जो चल रहा होता है ना इन जनरल, उससे रिलेटेड ही आता है। तो काइंड ऑफ डॉक्टर वाला मैंने एग्जैक्टली आरटीपीसीआर वाला तो प्रैक्टिस नहीं किया था, बट मैंने डॉक्टर वाला प्रैक्टिस किया था कि डॉक्टर का कैसा बना सकते हैं हम। कोविड चल रहा था क्योंकि बिल्कुल ऑब्वियसली, तो पेशेंट लेटा हुआ है उसको ऐसा इंजेक्शन लगा रहे, वैसा प्रैक्टिस किया। इवन उस टाइम पे नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला, तो वो काफी हाइप में था, तो आई प्रैक्टिस दिस फॉर्म बेसिकली कि वो भाला फेंकता हुआ कैसा लगेगा, या फिर उसने जो लास्ट का जो उसका पॉस्चर था ना जो फेंक के वो ऐसा किया था वो, तो ये मैंने स्पेसिफिक ये चीजें प्रैक्टिस की। तो हाँ वहां पे जाके वो बनाया, फिर मतलब आई उसमें भी मतलब आई हैड दिस इमेज कि मेरे को ये बनाना है एंड ऑल, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन का वो था। और मतलब दूसरे क्वेश्चंस में भी मतलब सीट का काफी स्पेसिफिक है, तो यू कैन लाइक वो डेडिकेट इनकम्प्लीट फिगर्स वाला कैसे किया, इनकम्लीट वो फिगर्स कितना वाला टफ था और कितना टफ टाइम लिया में। उसमें आपने? ओके तो इसमें एक्चुअली जब मैंने जैसे बोला ना कि मैं प्रिपरेशन एक्चुअली जो यहाँ पे वीक 10 दिन के लिए जो मैं टेलीग्राम पे आया था जहां से स्टार्ट हुआ, उससे पहले मैं सोच रहा था कि हाँ प्रैक्टिस किया है कि लाइंस है, कुछ प्रोडक्ट बना दूंगा, कुछ सीन बना दूंगा, नीचे लिख दूंगा कि अम्ब्रेला बनाया, अम्ब्रेला लिख दिया नीचे। बट जब मीट पे ज्वाइन हुआ तो मेरे को मतलब गाइडेंस मिली है नॉल की ये सब काम नहीं आएगा, तो मैंने उसको मतलब दे आर लुकिंग मतलब दैट, उसमें अगर आप देखोगे ना नीचे वैल्यूएशन में क्राइटेरिया में, तो मतलब स्पेसिफिकली रिटर्न दिस कीवर्ड क्रिएटिविटी, तो मतलब उसमें फर्स्ट में जैसे आपकी स्केचिंग स्किल्स और वो टेस्ट कर रहे हैं कि आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो, उसके सेकंड में मतलब इट्स पर्टिकुलरली अबाउट क्रिएटिविटी, दे आर टेस्टिंग योर क्रिएटिविटी। तो उसमें मतलब यू कांट बी वेरी स्पेसिफिक कि वो चीज, जैसे आपने अगर वो अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है उसको अम्ब्रेला बना दिया, तो अगर सीड 5,000 लोग दे रहे हैं तो उसमें से 3,000 लोग अम्ब्रेला बनाएंगे, तो मतलब हाँ हाउ राइट हाउ डू यू स्टैंड आउट, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट लाइक मेकिंग दैट अम्ब्रेला, अगर आप अम्ब्रेला भी बनाते हो तो नीचे दे हैव ऑल्सो गिवन दिस ऑप्शन ऑफ, नॉट ऑप्शन, दे प्रोवाइडेड सम स्पेस ऑफ राइटिंग अ कैप्शन फॉर दैट वॉट एवर यूर ड्रॉइंग। तो उसमें अगर आप अम्ब्रेला बना के कुछ अलग भी लिखते हो ना, तो दैट इज ऑल्सो योर क्रिएटिविटी। तो उसमें मैंने दो चीज प्रैक्टिस की कि लाइफ में एक तो मेरे को पूरा स्पेसिफिक नहीं होना है, कुछ जेनेरिक नहीं बनाना है कि ये जैसे अम्ब्रेला वाला एग्जाम्पल ही बिल्कुल दिया, तो और अगर मैं ऐसा अगर मेरे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, अगेन इट्स टाइम का, सब टाइम का खेल है, उस टाइम पे अगर मेरे दिमाग नहीं चल रहा है कि सब जेनेरिक ही आ रहे हैं, तो एक तो मैं नोट डाउन कर लूंगा जो जो जेनेरिक आ रहे हैं। एक ये चीज अच्छी होती है कि आप
माइंड में अगर कुछ सोच अगर आप कुछ आइडिएशन कर रहे हो और आप उसके बारे में सिर्फ सोच रहे हो ना, तो वो आपके दिमाग में वो चीज घूमती रहती है। बट अगर आप छोड़ पेंसिल से साइड में से थोड़ा सा लिख दोगे ना वो चीज, तो वो चीज आपके दिमाग से बाहर निकल जाती है एंड यू विल गेट फ्रेश आइडियाज। तो वो चीज प्रैक्टिस की थी मैंने कि लाइन देखी क्या दिमाग में आ रहा है, फटाफट लिख दिया और तीसरा चौथा आइडिया मैंने बना दिया फटाफट। तो वो किया था, तो उसमें जेनेरिक एक तो मेरे को नहीं करना, अगर जेनेरिक भी हो रहा है तो आई नीड टू गिव सम काइंड ऑफ सटायर और सम काइंड ऑफ जोक और सम काइंड ऑफ ह्यूमर इनटू दैट, कि वो बंदा जो सीड का पेपर चेक कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो बंदे ने एटलीस्ट 50-100 पेपर चेक कर रहा होगा, उसमें से बीच में आपका आएगा, तो मेरे को उसको व्हाई नॉट लाइक जस्ट गिव दैट पर्सन अ लाफ, व्हाई नॉट, मतलब व्हाई नॉट दैट, मतलब इट माइट मेड हिज और हर डे। तो मैंने, मेरा वो मोटिव था, तो उस मोटिव से आई प्रैक्टिस दैट वे कि कुछ बनाना है और उसमें ऐसा ह्यूमरस कुछ ऐड करेंगे, सटायर ऐड करेंगे और कर देंगे। तो वही हुआ कि मतलब वैसे ही कुछ जैसे मैंने एक दो मेरे को जो याद है कि एक मैंने एक बंदा बनाया था जिसमें एक बोट में बैठा था, पतला दुबला एकदम, उसके रिब्स दिख रहे हैं एंड ही इज लाइक वो यूजिंग दैट चक्कू बोट का और बहुत एफर्ट्स कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा है। और नीचे मैंने लिखा सफर हिंदी में और इंग्लिश में सफर और क्वेश्चन मार्क, तो मतलब वेदर ही इज लाइक गोइंग फॉर अ जर्नी और लाइक ही इज सफरिंग वैसा, तो वैसा। और इवन लाइक एक बनाया था जिसमें एक स्नेक था जो कि खुद की बॉडी को बाइट कर रहा था, तो लाइक टेस्टिंग योर ओन पॉइजन, तो काइंड ऑफ दैट और टेस्टिंग योर ओन वेनम। तो हाँ वैसा प्रिपेयर किया, यस दैट्स ऑल। आपने बहुत डिटेल में बताया, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई पार्ट ए और पार्ट बी की, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जो भी एस्पिरेंट्स आगे देखेंगे पार्ट ए और पार्ट बी की प्रिपरेशन के लिए, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा फिर हाँ आप कुछ बोल रहे हो प्लीज। हाँ नहीं हेल्पफुल अगेन लाइक आई एम कोटिंग दिस वेरी स्पेसिफिकली, मतलब दिस वर्क्ड फॉर मी, मतलब बट आई सजेस्ट कि मतलब गो विद योर ओन माइंडसेट और अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ, obviously like inspired from different people and all, but like don't just blindly follow ki haan isne aise kiya ye udhar pahunch gaya, to because har baar question alag hoga, situation alag hogi, question aapko original hona padega apna. exactly matlab you can actually take inspiration ki haan aisa, but don't just blindly follow whatever people are saying and all. So I quoted this very in the beginning ki ye mera perspective hai, to yeah बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव था आपने, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, क्वेश्चंस भी बताए किस तरीके के आएंगे। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, आइकन, ओके नेक्स्ट स्टेप, ओके कि पोर्टफोलियो सबमिशन। यस पहले तो ये बताओ आप पोर्टफोलियो क्या होता है और पोर्टफोलियो में क्या डालना चाहिए। पोर्टफोलियो एक्चुअली इज नथिंग बट लाइक अ डॉक्यूमेंट ऑफ योर वर्क दैट यू डिड, लाइक एनी काइंड ऑफ वर्क, मतलब इट नीड नॉट टू बी, मतलब वो एक जैसे आप इंटरेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने यूआई यूएक्स के प्रोजेक्ट ही डालने हैं, प्रोडक्ट के लिए डाल रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब वो आइडियली तो होना चाहिए वैसे, बट आई पर्सनली फील कि मतलब दे आर नॉट लुकिंग स्पेसिफिकली फॉर दैट थिंग, मतलब वो लोग एक तो ये देखते कि आप सोच कितना सकते हो और आप में क्या वो स्किल्स है और क्या आप वो डेवलप कर सकते हो, वो चीज वो स्किल्स डेवलप कर सकते हो उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए। तो पोर्टफोलियो इज नथिंग बट लाइक योर क्रिएटिव वर्क, लाइक इट कैन बी एनीथिंग, पोएम्स हो सकती हैं, गाने हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाया वो हो सकता है, कुछ क्रिएटिव काम किया, मान लो कुछ कैंपेन आपने स्टार्ट किया था काफी बड़ा चला, डाल दो पोर्टफोलियो में, इट वर्क्स। तो इवन लाइक फॉर मी लाइक आई हैड, मेरे पोर्टफोलियो में आई स्टार्टेड विथ अ रिसर्च टॉपिक बेसिकली, I didn't include a project. मैंने बोला कि मेरे को playful learning experience में interest है, तो मैंने वो research topic explain किया कि मैं ये research topic में मेरा interest है, ये research topic का ये meaning है, मैं इतने सालों से इन organization के लिए इस पर काम कर चुका हूँ, इतने products develop किए हैं और मतलब मेरा future ambition ये है कि इस पर मेरे को ये scope of work मेरे को दिखता है और इस पर काम करना है। That was like the first my first project, not exactly the project, मतलब it can be anything, portfolio में कुछ भी जा सकता है, right? फिर आपका interview stage आई, actually interview और portfolio से मतलब हाँ specifically IDC में मतलब they give task
आईडीसी के लिए टास्क मिला था और सबका हर कॉलेज का अलग अलग रहता है आईडीसी। आप टास्क के बारे में बताओ कुछ। हाँ आईडीसी मतलब हर कॉलेज का अलग अलग है। आईडीसी ने टास्क लिया था जो कि एक हफ्ते पहले हमको एप्लीकेशन फॉर्म खुलते हैं और एक हफ्ते का आपका डेडलाइन रहता है कि एक आपको एक हफ्ते में कभी भी मतलब लास्ट डेट है डेडलाइन है उसमें कभी भी आपको वो सबमिट करना है। तो उसके साथ जब हम एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसमें टास्क आते हैं हर स्ट्रीम के अलग अलग होते हैं। कम्युनिकेशन का होता है, इंटरेक्शन का, मोबिलिटी का, उनका सबका अलग अलग तो वो रहता है। तो इंटरेक्शन मैंने दो स्ट्रीम्स में अप्लाई किया था इंटरेक्शन और प्रोडक्ट के, तो उनमें टास्क थे तो वो आपको एक हफ्ते में टास्क खत्म करके। इंटरेक्शन में क्या टास्क मिला आपको अगर कुछ रफ आइडिया आप दे सकते हो? तो दो टास्क थे, नहीं हाँ दो, हाँ दो टास्क थे इंटरेक्शन के। पहला टास्क था कि एक रीडिंग दी थी हमको फ्रैंकेनस्टाइन प्रॉब्लम करके, उसमें तीन प्रॉब्लम स्टेट थी और उसपे हमको इलस्ट्रेशन बनाने थे और उसको करना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बेसिकली जो फ्रैंकेनस्टाइन प्रॉब्लम उस रीडिंग में जो है आप उससे क्या समझे, आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो प्रॉब्लम कहाँ दिखती है उसको इलस्ट्रेशन बना के एक्सप्लेन करना था कि व्हाट हैव यू डन। तो वो एक टास्क था। और सेकेंड टास्क था वी वर सपोज टू डिजाइन अ VUI वॉइस। सो वन इज देयर आर दीज टर्म्स, एक तो GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वैसे एक VUI अभी एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है जो कि है वॉइस यूजर इंटरफेस, लाइक यू इंटरेक्ट विद एलेक्सा सिरी और इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो या दैट इज ऑल्सो इंटरेक्शन डिजाइन। तो हमारा टास्क था कि एल्डरली के लिए हमको एक्सरसाइज स्पेसिफिकली फॉर वॉकिंग उनके लिए हमको VUI डेवलप करना था कि जब वो, तो मैंने ऐसा लिया था कि जब वो चलने जा रहे या फिर कभी भी ऐसा हो रहा है तो हाउ कैन दे इंटरेक्ट विद दो प्रॉब्लम्स। कुछ फोन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि दे कांट रियली यूज द टच, तो प्रॉब्ली या तो उनका वो दे आर नॉट फैमिलियर विद द एप्लीकेशन, एक वो सिनेरियो हो सकता है, या फिर ब्राइटनेस कम ज्यादा वो हो सकता है, मे बी दे हैव लाइक पार्किंसंस और वो ऐसा ना कर सके। तो वॉइस यूजर इंटरफेस लाइक हाउ कैन वी मेक दैट इंटरफेस सो इंट्यूटिव कि वो जैसे हम और आप बात कर रहे वैसे इंटरेक्ट करे और वो काम भी हो जाए, मतलब जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो। तो वो एक था, तो उस अप्रोच से मतलब सॉल्व किया था। फिर प्रोडक्ट डिजाइन में दो टास्क थे। फर्स्ट टास्क वाज लाइक रोज का पैकेजिंग डिजाइन करना हमको, तो यू कैन ओनली यूज टू A4 साइज पेपर और आपको बताना है कि आपने क्या डिजाइन किया है। और सेकेंड टास्क वॉज आपको तीन फोटोज या फिर कुछ प्रोजेक्ट अपलोड करने आपके काम के, तो इट वॉज काइंडली रेजोनेटिंग विद द पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट ओनली, बट पोर्टफोलियो अलग से सबमिट करना था। तो एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त एक तो फॉर्म भरना होता है और एक ही टास्क करने होते हैं और एक पोर्टफोलियो सबमिट करना होता है, तीन चीजें होती है। हाँ इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं मेंशन करना चाहूंगा तो जो भी वीडियो अगर देखेगा, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई थी काफी लोगों के साथ हुई थी कि एप्लीकेशन पोर्टल में जब आप एप्लीकेशन फिल कर देते हो ना पूरा, तो एकदम एंड का स्टेप होता है। पोर्टफोलियो तो सबके दिमाग में है कि अब मैं डिजाइन एंट्रेंस दे रहा हूँ तो मेरे को पोर्टफोलियो दिखाना ही पड़ेगा, तो पीपल आर प्रिपेयर फॉर दैट। बट ये जो आईडीसी का ऐसा है कि पोर्टफोलियो जब आप पूरा भर देते हो एप्लीकेशन तब आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो, लास्ट में आता है टास्क का, आपको टास्क भी करने है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था कि लास्ट डे पे उन्होंने पोर्टल खोला और उनको पता चला टास्क भी करके सबमिट करना है, तो लोगों ने हरी में मतलब लास्ट दिन में कैसे कैसे टास्क खत्म करके सबमिट किए, फिर पोर्टफोलियो सबमिट किया, फिर फी भरा, फिर उनका हुआ। तो मतलब दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब वी गाइज मतलब जैसे हम टेलीग्राम पे तो हम कनेक्टेड थे तो हमको पता था, तो लोग 12 बजे पोर्टल खोल के बैठे थे कि आया 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 फटाफट और लोगों ने फोटोज डालना चालू कर दिए। But those who were not connected were like some people were like that also. तो ये aspirants को ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा important चीज़ है। बहुत important. Last moment में मुझे नहीं लगता कि हो भी सकता है। हाँ, बहुत मुश्किल है। काफी burden होता है, मतलब और मतलब kind of unfair भी हो जाता है कि मतलब एक जगह पे मैं हूँ, एक हफ्ते तक सोच के मैं उसको खत्म किया, एक मतलब it becomes a kind of unfair game for those who like saw the task in the very end. Or आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, आपको रेगुलरली अपडेट्स चेक करने पड़ेंगे और जब भी जो चीज आए जितने जल्दी हो सके फॉर्म फिल करके सबमिट कीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार कनेक्टिविटी इशू भी होता है, बैक एंड पे भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। हुआ था काफी लोगों के साथ हुआ था, मतलब वी वर गेट सब लोग एंड में जाके मतलब 11:50 के बाद ही टास्क सबमिट कर रहे थे, तो मतलब हाँ कर रहे तो किसी का पेमेंट अटक गया। और तो मतलब एक लड़की मिली थी मेरे को, अब
इसी में ही, मतलब उसका शी वॉज ट्राइंग टू लाइक अप्लाई फॉर IDC बट उसका पेमेंट अटक गया और नहीं हुआ, तो फिर उसने IDC में कॉल किया कि मेरा पेमेंट इशू हो गया, मैं कर रही थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, बट दे टोल्ड दिस वेरी क्लियरली कि मतलब अदर्स हैव डिड इट, हमको दूसरों के मिले तो मतलब वी कांट कंसिडर यू एज एन एक्सेप्शन इन दिस केस, तो मतलब यू हैव टू, मतलब यू कांट जस्ट वेट फॉर 11th आवर टू कंप्लीट दिस टास्क. सबसे बड़ी रिस्पॉन्स आ गया. हाँ रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स भी वैसे कम देते बट आ गया रिस्पॉन्स. हाँ तो मतलब ये आपको ना जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो आपको उसकी प्रोसेस तो इन एंड आउट आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि मेरे को हाँ इसके बाद ये करना है, इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसके लिए, मतलब यू कांट कि हाँ उसके बाद जो आया देख लेंगे एडमिशन मिल जाएगा, वैसा नहीं. बहुत और हाँ फिर अलग अलग, फिर कानपुर ने टास्क लिया था तो कानपुर का भी टास्क, कानपुर का टास्क सिर्फ आधे घंटे या नहीं 45 मिनट्स का था, तो मतलब दे गिव दिस गूगल फॉर्म जिसमें टास्क था उसमें अपलोड करके और वो गूगल फॉर्म 45 मिनट्स में बंद हो जा रहा था वैसा, तो वो टाइम बेस्ड टास्क था. IDC में एक हफ्ते का मिला था, दिल्ली वालों ने टास्क नहीं लिया, रुड़की वालों ने एक अलग से 2021 में IIT हैदराबाद ने किया था ये टाइम बेस्ड, उन्होंने भी एक या डेढ़ घंटे का टाइम दिया था और आपको उसमें अपना आइडिया सबमिट करना है. तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, दिल्ली ने नहीं लिया, रुड़की ने ऑफलाइन बुला के वापस एक एग्जाम लिया था DAT, 2-3 घंटे का था वो DAT याद नहीं बट वो एग्जाम था, फिर दैट इज फॉलोड बाय इंटरव्यू. फिर IISc ने भी सेम किया, उन्होंने आधे घंटे का DAT लिया फिर इंटरव्यू लिया, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है. बिल्कुल, तो फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू में शुरुआत कैसे हुई और क्या क्वेश्चंस पूछे गए? इंटरव्यू सब इंटरव्यूज का अलग अलग एक्सपीरियंस था. आप IDC का बताओ. मैंने IDC का तो मैं पहले एक इंटरेक्शन का, इंटरेक्शन का बताओ पहले प्रिपेयर कैसे किया. पहले मैं एक बेसिक जो होता है तो इंटरव्यू होने से पहले मतलब मैंने अंजलि सोहल के इंटरव्यूज और के वीडियोस देखे थे, तो उसने कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि ये जेनेरिक क्वेश्चंस हिमाचल से शायद हिमाचल पहाड़ी पर, तो मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस क्लीशे क्वेश्चंस बताए थे कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे कि फर्स्ट दे विल स्टार्ट विद कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दे विल गिव यू सम टाइम, फिर पोर्टफोलियो पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर टास्क पे टास्क सबमिट करवाया तो टास्क पे ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे, टास्क पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको मास्टर्स क्यों करनी है, आपको इंटरेक्शन डिजाइन ही क्यों करनी है, फिर अगर आपने दो फील्ड्स में लिया है कि इंटरेक्शन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रोडक्ट आपकी सेकंड है तो ऐसा क्यों है, तो इंटरेक्शन में तो ऐसा नहीं पूछेंगे बट प्रोडक्ट में ऐसा पूछेंगे कि आपकी इंटरेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों थी, प्रोडक्ट सेकंड क्यों है, आपका इंटरेक्शन का इंटरव्यू अगर हो गया तो कैसा हुआ, तो ये क्वेश्चंस ना मैंने सब नोट डाउन किया और सबके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए. मतलब मेरे को पता है मैं मतलब एक चीज ये है कि मतलब डोंट फेक एनीथिंग इन योर इंटरव्यू, दैट डजंट वर्क एट ऑल. मतलब जैसे कि NID में तो मतलब इस हद तक इंटरव्यू होता है कि मतलब दिल मतलब NID क्या कहीं पे भी क्वेश्चंस वो इतने क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप फंस जाओगे अगर आपने कुछ फेक किया तो उस लेवल पे होता है. और मतलब ऑब्वियसली बात है मतलब दोज पीपल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, वो लोग 20-25 साल से पढ़ा रहे, कम से कम 10 साल से इंटरव्यूज ले रहे हैं, उन्होंने हजारों बच्चों का इंटरव्यू लिया है, तो यू आर जस्ट वन पर्सन आउट ऑफ इट, तो दे नो कि आप जो भी बोल रहे हो उनके बेसिस पे उनको पता चल जाता है, तो यू कांट फेक इट. तो मतलब बट यू कैन लाइक फ्रेम योर आंसर्स कि मेरे को इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वो कैसे करना है, तो मतलब यू हैव दिस कमांड ऑफ लाइक गाइडिंग योर इंटरव्यू. तो मेरा इंटरेक्शन का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, ऑफकोर्स फर्स्ट क्वेश्चन आया इंट्रोडक्शन कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आई एम फ्रॉम हियर, मेन पॉइंट्स बताने के, कहानी नहीं गाने की, मेरे को बचपन नहीं पसंद था ऐसा, डिजाइन नहीं आया, एजुकेशन ये थी, उसके बाद मैंने ये किया और फिर अभी लास्ट मैं जॉब में ये करता था और अब मैं इंटरेक्शन का मतलब ऑफकोर्स आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन. तो मतलब द क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू व्हाट यू हैव जस्ट सेड, कि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आया था कि आपने पर्टिकुलरली ये बताया कि आपने लास्ट में ये काम किया तो उसमें आपका एग्जैक्टली काम किया था और आपने किया क्या, तो वो थोड़ा छोटा से प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा चला डिस्कशन कि मैंने एक जगह इंटर्नशिप की थी वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो इट्स ट्राइंग टू नो माय थॉट्स कि मेरा क्या प्रोसेस रहा होगा या फिर मैंने इस बारे में भी सोचा था या नहीं, तो वो उस बेसिस पे आए, वो डिस्कशन खत्म हुआ, फिर देन द इमीडिएट क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग, सो
वी हैव थ्री प्रोफेसर, तो मतलब अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग चीज करते हैं. तो जैसे कि वन प्रोफेसर स्टार्टेड दिस इंट्रोडक्शन और नोइंग अबाउट माई प्रीवियस वर्क एंड ऑल. फिर द नेक्स्ट प्रोफेसर आस्क्स मी अबाउट वन दिस वन ऑफ द टास्क, कि तुमने ये टास्क में ऐसा ऐसा क्यों किया और तुमने तुम्हारी थॉट प्रोसेस एंड ऑल क्या थी. तो वो सब पूरा वो सब डिस्कशन चलता है कि मैंने ये सोचा था, ये भी सोचा था और उसमें ऐसा मेरा टास्क हुआ था, उस पे हुआ. फिर द थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू वाज पोर्टफोलियो, कि पोर्टफोलियो दे वर गोइंग थ्रू माय पोर्टफोलियो एंड ऑल, और उसमें पोर्टफोलियो में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ये आपने कहाँ किया, कैसे किया, ये डिजाइन अगर आपने कोई पर्टिकुलर डिजाइन डिसीजन लिया है तो आपने क्यों लिया एंड ऑल. और जैसे कि मैं बोल रहा था, आपने एक पोर्टफोलियो की डेफिनेशन पूछी थी कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो इंटरेक्शन को जैसे कि यूआई यूएक्स हम कंपेयर करते हैं मोस्टली, हमारे पास इंटरेक्शन का डिजाइन का पोर्टफोलियो देख के क्या दिमाग में आता है, एप्लीकेशन का काम होगा, स्क्रीन्स बनी होगी. मैंने किया था, तो मैं पोर्टफोलियो में चार मैंने प्रोजेक्ट्स डाले थे मेजरली. फर्स्ट वाज दिस रिसर्च टॉपिक, सेकंड वाज माय थीसिस प्रोजेक्ट व्हिच वाज बेस्ड ऑन इंटर टैंजिबल इंटरेक्शन, नॉट यूआई यूएक्स, टैंजिबल पूरा एग्जिबिट बनाया था वो. थर्ड वाज यूआई यूएक्स, फोर्थ वाज यूआई यूएक्स, लास्ट में लिंक डाला था ड्राइव का विथ माय अदर प्रोजेक्ट्स. बैचलर्स डिजाइन में था तो काफी प्रोजेक्ट्स थे, तो पोर्टफोलियो पे क्वेश्चन आए तो दे स्किप्ड दैट रिसर्च वाला पार्ट बिकॉज इट वाज लाइक क्वाइट वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, और आई मतलब दे आई थिंक लाइक दे गॉट अ जस्ट ऑफ की व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. फिर सेकंड में मैंने दिखाया कि मेरा थीसिस प्रोजेक्ट ये, तो दे आस्क्ड मी कि प्लीज एक्सप्लेन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि वो काफी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वो शायद मतलब वो देख के समझना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बताओ. उन्होंने शॉर्ट में वो बताया, तो उसमें क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू दैट, कि उसमें तुम्हारा क्या क्या रोल था. दे आस्क दिस कि अगर कोई प्रोजेक्ट अगर तुमने मेंशन नहीं किया कि ये पर्सनल या टीम है और ऐसा लग रहा है कि वो टीम का काम होगा, तो दे आस्क क्योंकि इसमें तुम्हारा रोल क्या था, तो रोल एक्सप्लेन किया, यहाँ दिस वॉज डन बाई मी, दिस वॉज डन बाई मी. कंप्लीटली मतलब दे डेंट इवन टॉक अबाउट यूआई यूएक्स के दोनों प्रोजेक्ट्स, थोड़ा सा भी दे डेंट इवन मेंशन अबाउट इट. मतलब वो पूरा पार्ट ऐसा लगा कि स्किप हो गया वैसा, स्क्रीन्स का जो कि मैं प्रिपेयर करके आया था उसके बारे में, कि हाँ मेरा ये डिजाइन डिसीजन ये क्वेश्चन आएगा, तो मैंने थोड़ा ऐसा सिमुलेट किया था कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ये आंसर करूंगा, ये आएगा तो ये आंसर करूंगा. वो हुआ ही नहीं कुछ, पूछा ही नहीं कुछ. टू माई सरप्राइज दैट गाय एक्चुअली वेंट इन टू माई ड्राइव का फोल्डर, और उन्होंने मतलब मेरे ड्राइव के फोल्डर में 12-13 ऐसा पीडीएफ थी, उसमें से एक सिर्फ एक वीडियो थी. He actually played that video and वो खाली वीडियो एक प्रोडक्ट था मेरा जो कि वर्किंग का मैंने दिखाया था, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इट वॉज जस्ट अ रोबोट विच वॉज मूविंग एंड डूइंग सम स्टफ. तो मैं सरप्राइज, ही एक्चुअली वेंट इन टू दैट फोल्डर, ही सेड टू मी कि मैंने तुम्हारा ड्राइव के फोल्डर में भी गया, मैंने कुछ प्रोजेक्ट देखे एंड आई फाउंड दिस वीडियो क्वाइट इंटरेस्टिंग, प्लीज एक्सप्लेन what have you done. तो मैं एक तो पहले शॉक हो गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट वो एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट मैंने किया है तो मेरे को पता मैंने किया है, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया कि हाँ मैंने ये किया है. फिर क्वेश्चन आए कि अच्छा ये किया है, तो मतलब ये भी तुमने किया, ये भी तुमने किया, तो बोला हाँ. तो मतलब उसमें क्योंकि उसमें मैंने फॉर्म से लेके उसका पीसीबी डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल सब वो सब मैंने किया था, तो मैं बोला हाँ मैंने किया. फिर डिजाइन रिलेटेड बात हुआ कि हाँ इसमें ये भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसका फ्यूचर स्कोप तुमने क्या सोचा था या नहीं सोचा था, तो वो सब बात हुई, तो वो सब हुआ. और एक्चुअली मैं मतलब पोर्टफोलियो और इंटरव्यू का मेन जो एम हो, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है और ये ट्रू भी है, कि जैसे हम अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, एमबीडी, एनिमेशन का बोल रहे हैं, तो इनमें सीट्स बहुत कम है, 16, 17, 12, 11, 14 इतनी सीट्स है. So they are like trying to form a good team. They are not looking at individuals. They are trying to form a good team. And they are looking at you as a person, like what do you bring to the table? Ki tum kya la rahe ho us table pe? Right. So, they look in that way. Ki tum kya la rahe ho? Aur, bhai, usi basis pe they try to judge you. That's what I think actually. So, yeah, phir wo hua. It went quite long. 23, 24 minutes. इतना चला था इंटरव्यू. फिर अगेन मतलब इट वाज नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ की रैपिड फायर राउंड खेल रहे हो मेरे साथ, दे वर गिविंग मी टाइम टू स्पीक आल्सो, इट वाज वेरी कन्वर्सेशनल बेस्ड, ओपिनियंस शेयर हो रहे थे.
इंटरेक्शन था, इट वॉज मोर ऑफ इंटरेक्शन, इट वॉज अ वेरी इंटरेक्टिव इंटरव्यू, बातें चल रही थी वैसा इंटरव्यू था. तो पता नहीं मतलब इंटरव्यू देने के बाद सोच रहा हूँ हाँ अच्छा भी गया है, गंदा भी नहीं बोल सकता, अच्छा भी नहीं बोल सकता, गया और ऐसा था कि मजा आया, सेटिस्फेक्शन था एक, तो हाँ वही हुआ, दैट वाज होल एक्सपीरियंस. तो आपने जो पूरी जर्नी एक्सप्लेन की अपनी तैयारी से लेके फाइनल सिलेक्शन तक की, वो बहुत ही शानदार थी और बहुत ही इंस्पायरिंग थी. सो आपने जो भी अब आगे स्टूडेंट्स देखेंगे आपके वीडियो को, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपकी पूरी जर्नी से. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. अहमदाबाद सुबह की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड लाइक आई लास्टली आई वॉन्ट टू से दिस, the guys who are watching this, like this person Vinayak is doing a great job, please subscribe to his channel and spread the video to all the seed aspirants. Aur jo bhi aapke jaan pehchan wale dost bhi koi prepare kar rahe unko bhi bhejo. Bahut sare podcast matlab interviews hai jo ki IDC mein hai, kuch log NID mein gaye hain, kuch log UCED wale bhi hain, to alag alag experience jaan ke matlab will be helpful. Thank you so much friends. Thank you so much. Great.